और प्रभुपाद जी कहते हैं, इन द स्क्रिप्चर द लॉर्ड सेज दैट दोज अट्रैक्टेड बाय दिस मटेरियल नेचर आर अंडरगोइंग ए हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो हम भौतिक जगत में रहेंगे तो स्ट्रगल करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। कितने लोग मानते हैं जीवन यहां पर संघर्ष है? रेज योर हैंड। हाँ, सब स्टूडेंट्स है, फिर भी जीवन आप लोगों के लिए अधिक संघर्ष है। संघर्ष है। मेरा क्वेश्चन है, जीवन यहां पे संघर्ष क्यों है? संघर्ष कहां पे रहता है? कब लगता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं? ओके, तो स्ट्रगल जनरल वहां पे होता है जब हम अपना प्रकृति के विरोध में काम करते हैं, उसको संघर्ष कहते हैं। तो व्हाट इज संघर्ष? व्हेन यू एक्ट अगेंस्ट आवर नेचर, दैट इज एग्जैक्टली संघर्ष। जो हमारा प्रकृति ही रहेगा तो संघर्ष वहां पे रहेगा? नहीं रहेगा। रोड पे चलना है, संघर्ष है। धरती पे चलना है, संघर्ष नहीं है। लेकिन पानी में तैरना संघर्ष है। क्यों? क्योंकि ये हमारा शरीर का, प्रकृति का अगेंस्ट में है। ओके ना, पेड़ पे चलना है, क्या है? नॉर्मल है। लेकिन सर पे चलना संघर्ष है। हाथ पे चलना क्या है? संघर्ष है। ठीक है ना? तो ये संघर्ष का कारण क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं, द कॉज ऑफ द संघर्ष इज अट्रैक्टेड बाय मटेरियल नेचर। हम जनरली क्या है? आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल इन नेचर। जब स्पिरिचुअल नेचर मटेरियल नेचर के प्रति आकर्षित हो जाता है, तब क्या स्टार्ट होता है? संघर्ष स्टार्ट होता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे अमेरिका में एक सीशोर में घूम रहे थे, उनका डिसाइपल्स देख दिखा रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी को दिखा रहे कि प्रभुपाद जी सी हाउ दे आर सर्फिंग इन द ओशन। ओशन में सर्फिंग करते हैं ना। तो प्रभुपाद सेड दे आर नॉट सर्फिंग इन द ओशन, दे आर सफरिंग इन द ओशन। ओके ना। संघर्ष करते हैं। तो ओशन में जो सर्फिंग करता है, आप देखे ऊपर जाता है, नीचे रहता है, गिर जाता है, उठता है, दैट इज एग्जैक्टली क्या है? संघर्ष है। क्यों? क्योंकि जो ओशन है हमारा अगेंस्ट का, मनुष्य शरीर के अगेंस्ट का नेचर है वो। मनुष्य शरीर टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में जीने के लिए हुआ है, धरती पे जीने के लिए हुआ है। लेकिन पानी में हम जीने के लिए प्रयास करेंगे, क्या होगा? संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे जो आत्मा है आध्यात्मिक जगत में जीने के लिए आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन जब आत्मा भौतिक जगत के प्रति अट्रैक्ट होके आध्यात्मिक जगत को छोड़ के संसार में आ जाता है तो संघर्ष है। इसलिए शरीर के भीतर भी हम हैं तो संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा भौतिक शरीर में है। आध्यात्मिक आत्मा जब भौतिक शरीर में रहता है संघर्ष करता है, क्योंकि भौतिक शरीर का नेचर अलग है और आत्मा का नेचर अलग है। ओके ना। और इसका मेन कारण क्या है? अट्रैक्टेड बाय मटेरियल नेचर। जैसे रात को सोना है, ये शरीर का प्रकृति है, सो जाएंगे 7 बजे 8 बजे 9 बजे सो जाएंगे तो 3-4 बजे आराम से उठ जाएंगे, ये शरीर का प्रकृति है। लेकिन संघर्ष होता है, हमें किस लिए संघर्ष करते हैं? जब हाथ में मोबाइल रहता है। ओके ना, दैट इज मटेरियल नेचर। तो मटेरियल नेचर जब हाथ में आ जाता है, सोना भी हमारे लिए संघर्ष है। लेकिन सोने के लिए हम संघर्ष करते, क्यों? क्योंकि सोने का टाइम 8 बजे है और आपके पास, आप मटेरियल नेचर के प्रति अट्रैक्ट हो गए हैं, मोबाइल के प्रति अट्रैक्ट हो गए हैं, इसलिए हम मोबाइल में एंजॉयमेंट करते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे सोते हैं और नींद भी आता है, आंख भी गिर जाता है, फिर भी मोबाइल देखते हैं, संघर्ष करते हैं जागने के लिए। ठीक नहीं? क्यों? क्योंकि मोबाइल के प्रति अट्रैक्टेड है, सबका एक्सपीरियंस है। वैसे ही संसार मोबाइल है, मटेरियल वर्ल्ड है, इसके प्रति हम अट्रैक्ट हो गए, इसलिए आत्मा इस संसार में क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। उठने का टाइम क्या है जनरली संसार का, शरीर का? 4 बजे 5 बजे। अब देखेंगे संसार में जितने भी जीव है 6-7 बजे सो जाते हैं और 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। जितने भी जीव है, सूर्यास्त हो गया, अपना घोंसला में पक्षी आए सो गए, पशु हैं अपने केव में गए सो गए। ओके ना, टाइम हो गया, पक्षी 5 बजे 6 बजे उठ जाएंगे, पशु अपने उठ के अपना आहार क्या, आहार संग्रह करने के लिए निकल पड़ेगा। लेकिन मनुष्य ही से जीव है जो सोते टाइम संघर्ष करता है
और उठते टाइम भी संघर्ष होता है क्यों? क्योंकि मटेरियल अट्रैक्शन रहता है और उठते टाइम मन हमें क्या करता है, प्रभावित करता है, संघर्ष करता है। इसका मेन कारण क्या है? अट्रैक्शन टुवर्ड्स मोबाइल। मेन कारण क्या है? आत्मा संघर्ष कर रहा है अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हमारा नेचर के अगेंस्ट में है। तो जितना भी संसार में भोग है वो क्या है एग्जैक्टली? अपना नेचर, आत्मा का नेचर का अगेंस्ट में है। इसलिए संसार में भोग के प्रति आकर्षित होकर हम क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। तो समझ में आ गया?